आज भाईजान हम आए हुए हैं जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद। पिछली बारी तानू माफी दीती असी, पिछली बारी माफी दीती, आज की माफी नहीं मिलनी, आज की नहीं माफी मिलती ना। चल ऐसे बाने मुंह धो लूंगा यार, साडा बंदा छोटा वा। आज भाई जान हम आए हुए हैं जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद, जो की एक बहुत ये फंस गया, ये कह रहा झूठ बोल रहे, सच बोल रहे कि हम फड़ लिया बंदा नहीं जान दे रहा। देखो अच्छा यार, ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह ये काफी स्टाल लगे हुए हैं, काफी चीजों के लगे हैं। यहाँ पर हार वगैरह है, रुमाल है, फिर ये टोपी वगैरह लगी हुई है, यानी कि फुल आपको ये ना डायमंड वाला जो है ना इस टाइम वो सीन बना हुआ है। डायमंड वाली हमें ना कह रहे हैं वो फीलिंग आ रही है जैसे हम डायमंड भेज रहे हैं। आज है यहाँ पर सलाना दस्तारबंदी का जलसा, जो कि माशाल्लाह ये अली भाई जो हैं, जो मैंने आपको बताया था एक बार, उमर भाई इनके बड़े भाई जो आज मुफ्ती बन के फारग हो रहे हैं माशाल्लाह, और ऐ मुफ्त ही है वैसे बंदा। यार ये बंदा जो है ना जिन्हों कहते हैं ना ब्याह तो बाद वाकई बदल गया, ये वो बंदा भाई, यकीन करो बकर गवाह है इस चीज़ का। यार यकीन करो जो साल बाद मिला मेरा ख्याल है, मैंने बहुत रश है इधर माशाल्लाह, दूर दराज से जो है ना तलबा के वालिदैन रिश्तेदार और बहुत से लोग आए होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इस मदरसे में पूरे पाकिस्तान बल्कि मैं कहूँगा कि दूसरे ममालिक से भी जो है ना लोग तालीम लेने के लिए आते हैं। ये माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा है, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है हमारे फैसलाबाद की शान, पाकिस्तान की शान, मैं तो ये कहूँगा। यहाँ से माशाल्लाह हर साल सैकड़ों की तादाद में जो है उलमा हुफाज फाजिल होते हैं, और ये देखें आप इनके बहुत बेहतरीन निज़ाम हुआ पड़ा है, आया है लोग हमको भी लेके आओ, ये देखें ये माशाल्लाह से ये आए अपने बड़े भाई की अपना दस्तारबंदी पर, और बहुत खुश हैं ये माशाल्लाह हमारे भाई खान से आए हैं। मजमा है वो फुल अपने प्यारों का इंतज़ार करते हुए, देखें यहाँ पर खुशी की लहरें दौड़ रही हैं, क्योंकि ये भाई ये वाकई में एक बड़ी खुशी का माहौल होता है, चाहे कोई मदरसे का तालिब इलम है यहाँ फिर कोई वो यूनिवर्सिटी का तालिब इलम है। यूनिवर्सिटी के तालिब इलम जो होते हैं उनके लिए जो होती है अपना डिग्री होती है, ये भी इनके लिए एक डिग्री है, जैसे वो 6 साल 4 साल 8 साल लगा के बाद उनको डिग्री मिलती है, ये भी एक डिग्री है। चला ये फुजला आ रहे हैं और इनके प्यारे जो हैं उनको माशाल्लाह अपने अंदाज के अंदर इस्तकबाल कर रहे हैं उनका, हम भी किसी के मुंतजर हैं भाई, वो आ जाए तो फिर हम भी जरा उनको हार शार बनाए। लो जी जो तक रो नहीं आता अभी पा लिया यार, आए नहीं हजे तक, मैं वेट कर कर थक गया। बात बंदा साफ सुथरा आ रहा है, नहीं तो कोई बंदा साफ सुथरा नहीं निकलिया। अजी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मुफ्ती साहब ने सानू केड़ा देन चक्कर जी सी कि बच जावा के नकलो, लेकिन साडे हत्थ तो कदों कोई बचिया वा, बात सही है। ऐ देखो माशाल्लाह मुफ्ती साहब बचन दी कोशिश, ना ना मुफ्ती साहब नहीं, पिछली बार तुहानू माफी दित्ती है, पिछली बार तुहानू माफी दित्ती असी, पिछली बार माफी दित्ती, आज की माफी नहीं मिलनी, आज की नहीं माफी मिलती ना, पिछली बार तुसी बच गए सी, ओए बस करो, तू किधर है, बच गए तो करो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ, तेरी भी याद आना हो गई मुफ्ती अली है। चलो उसे आ जाओ, कोई गल नहीं कोई गल, आप दोनों दो, हम साथ साथ हैं। चल ऐसे बने मुंह धो लूगा।
माशाल्लाह अल्लाह रे बहुत मुबारक हो तुम जनाब। पफे के बाद मिलते थे इनका मुंह सुधुलवाए हार पवाई। तो मेरा हार किथे गया? फड़ी होए मोए मोए हां फड़ मोए मोए ना मर भाई होया फड़े यार। कैमरामैन जल्दी फोकस भाई कैमरा बंदे बहुत है ओए फोकस नहीं होया ओए दोबारा तो ये कौन फड़ अभी ले आ ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओए इधर गलत सुन ओ गलत सुन यार ओए कुछ नहीं बेटा ओए यार साडा बंदा छोटा वा चले बस मिलन दी मिलन दी खुशी से ते मेनू भी मिल लैन दे अपने मकसद असली ते पहुंच चुके हैं। कहते ना जिस चीज की तलाश वो फिर आखिर मिल ही जाती है। तो ये देखें अदर मुंह कर बेच के अले चिमटे आखिरकार हमें वो ठिकाना मिल ही गया जहाँ पे बैठ के हमने अपना मकसद असली पूरा करना है। मकसद असली क्या है? वो ये है कि लंगर खाना जो है ना वो पता है फिर भट्टों की जो है ना वो एंड पे आके बात जो खाने पे खत्म होती है। बात तो सही है। ते तुसी किधर रोशनी बेटे पावांगे तो खाने ते पाने। अच्छा हुण सही आ रही है? अब सही आ रही है? आप बताओ जरा। नहीं नेक्स्ट डे। हाँ जी तो जनाब क्या हाल है? ठीक है। अच्छा यार रात को जो है वो बहुत लेट हो गए थे हम प्रोग्राम से और धुंध वगैरह बहुत आ गई थी जिस वजह से ना भाई वो वीडियो मैंने बनाई नहीं एंडिंग नहीं की। तो यार रात को मैंने तो भाई बहुत एंजॉय किया। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3 साल बाद ना मैं मदरसे गया हूँ और अपने पुराने दोस्तों से अपने क्लास वालों से मिला तो भाई बहुत एंजॉय किया यार। उम्मीद करता हूँ आपने भी एंजॉय किया होगा। तो यार इस चीज को ना ये कोई नेगेटिव ना ले कि यार दाढ़ी टोपी वाले हजरात हैं और भाई वो स्नो कर रहे हैं और इस तरह यानी कि फूल। तो भाई ये खुशी होती है एक बच्चा 8 साल अपनी जिंदगी की कीमती 8 साल लगा के जब वो फारिग होता है ना तो उसके घर वालों को भाई बेहद खुशी होती है बहुत खुशी होती है। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है वो भी मेरी इस बात को समझते होंगे जो मदरसे गए वो ज्यादा से ज्यादा समझते होंगे सारे समझते इस बात को। तो आपने इस चीज को यार नेगेटिव नहीं लेना खुश रहें और खुश रहने दें। तो इसी के साथ जो है आज का व्लॉग जो है मैं एंड करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई जल्दी करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा के जनाब हमारी फैमिली बट्टा ना मुंडा ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव या कुछ इंटरटेनमेंट लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।